कहानी की शुरुआत होती है शैनन नाम की एक लड़की से जो हांगकांग में मार्शल आर्ट सीखती थी। उसके पिता डैनी दिन में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते और रात को कंप्यूटर गेम्स बनाते। बदकिस्मती से शैनन की माँ कुछ साल पहले एयरपोर्ट जाते हुए एक एक्सीडेंट में चल बसी थी। उस दिन उसके पिता ने उसकी माँ को एयरपोर्ट ले जाने से मना कर दिया था, इसलिए शैनन अब भी अपने पिता को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझती थी। अब वो अपने स्कूल के हॉस्टल में ही रहती है और घर बहुत कम ही जाती है। उसकी क्लास में रिकार्डो नाम का लड़का उसका जानी दुश्मन था। रिकार्डो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अक्सर उसे परेशान किया करता। एक दिन उनकी टोली शैनन के पिता के रेस्टोरेंट का खाना खा रही थी। वो बेवजह ही शिकायत करने लगे कि खाने में मिर्ची थोड़ी कम है। सारा खाना चट करने के बाद भी उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। तब शैनन ने मामला हाथ में लिया और उन्हें पैसे देने को कहा। रिकार्डो ने गुस्से में पैसे जमीन पर फेंक दिए और वहां से चला गया। शैनन ने पैसे उठाकर अपने पिता को दे दिए, जो कार्टून का भेस बनाकर खड़े थे। अगले दिन स्कूल में रिकार्डो ने शैनन से बदला लेने के लिए शैनन की दोस्त के भाई को धक्का देकर उसका खाना गिरा दिया। ये बदला लेने का कौन सा तरीका भाई? लड़की से बदला लेने के लिए उसकी दोस्त के भाई के चाचे के मामे के फूफे को धक्का दे देते हैं। खैर, शैनन के दोस्तों ने उसे ये सब नजरअंदाज करने को कहा, लेकिन शैनन उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वो सीधा जाकर रिकार्डो की टोली के पास बैठ गई और उनकी थाली से उठा उठा कर खाना खाने लगी। रिकार्डो गुस्से में अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। बाद में शैनन को पता चला कि रिकार्डो ने उसके सारे कपड़े खराब कर दिए हैं। उनकी गैंग मिलकर हर रोज किसी न किसी तरह शैनन को तंग करती थी। वो कभी उसे गिरा देते, कभी उसके खाने में मेंढक डाल देते और कभी कभी बेवजह उस पर हंसने लगते। उस शहर में एक दुकान के बाहर कुंफू के मुकाबले हुआ करते थे। शैनन को खबर मिली कि रिकार्डो आज तक उस टूर्नामेंट में किसी से नहीं हारा। उसने सबके सामने जाकर रिकार्डो को मुकाबले की चुनौती दे दी। उसने शर्त रखी कि अगर वो जीत गई तो रिकार्डो को स्कर्ट पहनकर घूमना होगा। बदले में रिकार्डो ने भी शर्त रखी कि अगर वो जीत गया तो शैनन भी बाल कटवाकर मर्दों की तरह कपड़े पहनकर घूमेगी। इसके बाद मुकाबला शुरू हुआ। ये शुरुआत में ही साफ हो गया कि रिकार्डो शैनन के बदले काफी तगड़ा खिलाड़ी है। अचानक उसने मौका देखकर शैनन के पेट पर वार कर दिया, जिससे वो जोर से गिर पड़ी। इसके बाद वो उठ भी नहीं पाई और अगले ही वार में चित हो गई। रिकार्डो ने उस पर हंसते हुए उसे कैंची थमा दी। शैनन ने भी हार स्वीकार करके अपने बाल काट डाले। अगले दिन जब वो छोटे बाल लेकर स्कूल गई तो सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। जब वो क्लास में गई तो रिकार्डो उसे मर्द कहकर चिढ़ाने लगा। फिर भी जब वो नहीं रुका तो शैनन गुस्से में आकर उस पर झपट पड़ी। आखिरकार टीचर ने आकर उन्हें मुश्किल से छुड़ाया। इसके बाद उसे प्रिंसिपल के पास ले जाया गया, जिसने डैनी को फोन करके उसकी बेटी की हरकतों की सारी शिकायत कर दी। बेचारे डैनी ने माफी मांगते हुए शैनन को आखिरी मौका देने की गुजारिश की। फिर जब दोपहर को शैनन अपना खाना लेने गई तो कुछ लड़कियों ने उसका रास्ता रोक लिया। वो भी रिकार्डो के साथ मिलकर शैनन को परेशान करने लगी थी। उसे याद आया कि उसे अपनी माँ के कारण ही कुंफू में दिलचस्पी हुई थी। जहाँ बाकी माएं अपनी बेटियों को राजकुमारी बनाती थी, वहीं शैनन की माँ उसे कुंफू की ट्रेनिंग दिया करती। उस रात डैनी ने शैनन को फोन करके उसे घर आने को कहा, क्योंकि वो 3 महीने से घर नहीं आई थी। ना चाहते हुए भी शैनन ने हाँ कर दी। फिर डैनी ने एक इन्वेस्टर को फोन करके उसे अपनी नई गेम दिखाने के लिए बुलाया। उसने एक वर्चुअल गेम बनाई थी जिसमें खिलाड़ी को असलियत में लड़कर जीतना होगा। रात को शैनन घर आकर अपने पिता से मिली। डैनी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत बुरे तरीके से बात कर रही थी। डैनी ने जब उसके बालों के बारे में पूछा तो उसने कोई बहाना बना दिया, लेकिन स्कूल में परेशान किए जाने की बात नहीं बताई। जब उसके पिता ने कहा कि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद से वो काफी बदल गई है, तो शैनन ने उसे ही इसका दोषी ठहराया। उसके शब्दों में इतनी कड़वाहट थी कि डैनी दुखी होकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद शैनन उसके कमरे में गई, जहाँ उसे टेबल पर एक अजीब सा गले का हार दिखा। वहाँ एक हेडसेट भी था जिसे शैनन ने पहन लिया। उसी वक्त वो 500 साल पुराने चाइना की वर्चुअल दुनिया में पहुँच गई। अचानक कई लोग उस पर हमला करने लगे, लेकिन उसने किसी तरह खुद को बचाया। उसने देखा कि उसके बाल भी लंबे हो गए थे। फिर उसकी नजर रिकार्डो पर पड़ी, जो कुंफू की पोशाक पहने विरोधियों से लड़ रहा था। पता चला कि वो चोरों से लड़ रहा था, जो गरीब किसान के घर से खाना चुराने आए थे। पहली बार रिकार्डो को कोई अच्छा काम करते देख शैनन को काफी हैरानी हुई। तभी चोरों का सरदार नॉर्मन रिकार्डो से लड़ने आया, लेकिन रिकार्डो ने अपनी काबिलियत से उसे चुटकियों में धूल चटा दी। बदमाशों के जाने के बाद रिकार्डो ने खाने की बोरियां किसान को लौटा दी। शैनन ने जाकर उससे पूछा कि वो इस गेम में कैसे आया। पता चला कि वो इस गेम में रिकार्डो के उल्टे रूप में मौजूद है। उसने शैनन को चोरों के दो सरदार नॉर्मन और टाइसन के बारे में बताया।
उन्होंने गरीबों का खाना चुराने के लिए पूरी फौज बना रखी थी। रिकार्डो को पूरा यकीन है कि नॉर्मन की हार की खबर सुनकर टाइसन बदला लेने जरूर आएगा। उधर चोरों के अड्डे पर टाइसन बेहद गुस्से में था। उसने रिकार्डो पर नजर रखने के लिए अपने आदमी भेज दिए। फिर शैनन ने पूरा गाँव घूमा और शाओलिन मंदिर देखा। वहाँ उसने डैरिल को भी देखा जो असलियत में उसे बहुत परेशान करता था, लेकिन यहाँ वो एक अच्छा इंसान था। उनके स्कूल का प्रिंसिपल यहाँ मार्शल आर्ट्स का टीचर था। वहाँ शैनन की मुलाकात गांव के सरदार से भी हुई। अचानक एक दिन रिकार्डो बीमार होकर बेहोश हो गया। गांव वाले तुरंत उसे एक वैद्य के पास लेकर गए जो मार्शल आर्ट्स की एक बेहतरीन योद्धा भी थी। बाद में जब रिकार्डो ठीक हुआ तो शैनन उस वैद्य के साथ गांव घूमने निकली। उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी जिसमें एक भद्दा सा आदमी ध्यान लगाकर बैठा था। वैद्य ने बताया कि ये आदमी दरअसल उसके पिता हैं। वो गांव-गांव घूमकर चोरों को पकड़ते और लोगों की मदद करते थे, लेकिन जब से उसकी माँ की मौत हुई है वो एक साल से झोपड़ी से बाहर तक नहीं निकले। फिर शैनन ने कुछ दिन गांव में रहकर मार्शल आर्ट सीखा। वो और रिकार्डो इकट्ठे प्रैक्टिस किया करते। जल्द ही चोरियों की वजह से गांव में खाने की कमी हो गई, इसीलिए गांव के सरदार को कानून बनाना पड़ा कि सभी लोग दिन में सिर्फ दो बार ही खाना खाएंगे। जल्द ही वो लोग भूख से मरने वाले थे। एक रात शैनन अपनी टोली के साथ चोरों के घर खाना चुराने पहुंच गई। डैरिल ने जहरीली सुई मारकर गार्ड्स को बेहोश कर दिया। फिर वो गोदाम में जाकर सब कुछ इकट्ठा करने लगे, लेकिन तभी किसी ने शोर मचा दिया। एरिस ने भी आगे होकर दुश्मनों का सामना किया। बाकी सबको ना चाहते हुए भी एरिस के बिना ही वहां से भागना पड़ा। अगले दिन शैनन ने गांव के सरदार से एरिस को बचाने को कहा, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि एरिस चोरी कर रही थी जो कि कानून के खिलाफ है। हताश होकर शैनन एरिस के पिता बाओ से मदद मांगने गई। शैनन ने उसे बताया कि वो भी अपने पिता को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझती रही। अचानक बाओ झोपड़ी से अपनी बेटी को बचाने निकल आया। उसने चोरों के अड्डे पर हमला करके सारे गार्ड्स को चित कर दिया। आखिरकार उसने एरिस को बचा लिया और दोनों फिर से घूमने निकल गए। शैनन उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन बाओ ने उसे विश्वास दिलाया कि वो खुद चोरों का सामना कर सकते हैं। उधर जब टाइसन को खबर मिली कि उसके आदमियों पर हमला हुआ है तो वो अपनी फौज के साथ गांव में घुसने को तैयार हो गया। उधर शैनन, डेरिल और रिकार्डो जानते थे कि ऐसा जरूर होगा, इसलिए वो मिलकर तरकीब लगाने लगे। शैनन जानती थी कि दुश्मन को हराने का कोई तरीका तो जरूर होगा, क्योंकि आखिरकार ये है तो एक गेम ही ना। फिर उसे अपने पिता के टेबल पर पड़ा वो हार याद आया। ऐसा हार उसने एक चोर को पहने हुए देखा था। कुछ ही घंटों में टाइसन ने अपनी फौज के साथ गांव पर हमला बोल दिया। गांव के सरदार और कुंफू योद्धाओं ने भी पूरी ताकत से उनका सामना किया। तभी शैनन को हार पहने वो चोर दिखा, लेकिन उससे लड़ते हुए वो मारी गई और गेम से बाहर आ गई। शैनन ने हार नहीं मानी और फिर से हेडसेट पहनकर खड़ी हो गई। असल में उसके पास एक और मौका बचा था, जिसमें वहीं से गेम शुरू हो गई। इस बार उसने चोर को हराकर उसका हार छीन लिया। उसने हार खोला तो उसमें उसकी माँ की तस्वीर थी। उसी पल टाइसन के सभी बदमाश गायब हो गए। अब सिर्फ टाइसन बचा था और उन्होंने मिलकर उसे भी खत्म कर दिया। इसके बाद रिकार्डो और शैनन नदी के पास बैठे थे। शैनन ने कहा कि वो अपने घर वापस जाना चाहती है। रिकार्डो ने उसे हमेशा याद रखने का वादा किया और असलियत में वापस भेज दिया। जब वो लौटी तो पता चला कि डैनी और उसका इन्वेस्टर उसे खेलते हुए देख रहे थे। शैनन ने अपने पिता को गले लगाकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। इन्वेस्टर को उसकी गेम इतनी पसंद आई कि वो 10 मिलियन युआन लगाने को तैयार हो गया। अगले हफ्ते देश का सबसे बड़ा कुंफू कॉम्पिटिशन होने वाला था। शैनन और रिकार्डो ने भी इसमें हिस्सा लिया था। उन्हें फाइनल तक पहुंचने के लिए 4 राउंड्स जीतने होंगे। मुकाबले के दिन शैनन बहुत उदास थी, क्योंकि उसके पिता अभी तक नहीं आए थे। फिर भी उसने अपनी जी जान लगा दी और असलियत की एरीज से जीत गई। इसी तरह रिकार्डो भी सारे राउंड्स जीत कर फाइनल तक पहुंच गया। उधर सेमीफाइनल में शैनन ने जबरदस्त तरीके से एक लड़के को हरा दिया। अब सिर्फ शैनन और रिकार्डो का मुकाबला बाकी था। सभी लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुकाबला शुरू होते ही रिकार्डो ने पहला वार किया, लेकिन शैनन उससे बच गई। ठीक इसी तरह रिकार्डो भी शैनन के सभी हमलों से बचता रहा। पहले राउंड में दोनों में से किसी को भी मारने का मौका नहीं मिला। फिर रेफरी ने सीटी बजाई, लेकिन रिकार्डो ने फिर भी शैनन पर धोखे से हमला कर दिया। रिकार्डो के पॉइंट कम किए गए, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। अगले राउंड में भी बराबरी का मुकाबला चल रहा था। अचानक शैनन ने रिकार्डो की पीठ पर हमला करके उसे गिरा दिया। गुस्से में रिकार्डो ने फिर से रूल तोड़कर शैनन के घुटने पर वार किया। शैनन काफी दर्द में थी, लेकिन वो फिर भी अगले राउंड के लिए खड़ी हुई। इस बार रिकार्डो ने फिर से उसके सर पर वार करके रूल तोड़ा, जिससे शैनन बेहोश होने ही वाली थी। लेकिन तभी उसने अपने पिता को देखा जो ऑडियंस में बैठे उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। एक नए जोश के साथ शैनन एक बार फिर से खड़ी हुई।
उसे गेम वाले रिकार्डो से सीखी तकनीक याद आई और उसने वही इस्तेमाल की। एक ही वार में रिकार्डो चित हो गया और शैनन ने मुकाबला जीत लिया। हजारों लोगों की तालियों के बीच वो भागकर अपने पिता के गले लग गई। आखिरकार जब वो स्कूल वापस लौटी तो उसने रिकार्डो की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रिकार्डो ने भी मान लिया कि आखिरी मुकाबला जीतने की हकदार शैनन ही थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।